हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना डायरीज। आज हम बनाएंगे प्रसाद की रेसिपी, तिल चौथ के लिए तिल कुट की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप तिल ले लिए हैं। तिल को अच्छे से आप साफ जरूर कर लें। मैंने नॉर्मल वाले तिल लिए हैं, आप चाहें तो सफ़ेद तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। एक कप तिल के साथ हमें आधा कप गुड़ की ज़रूरत होती है। तो तिल को हमें सबसे पहले एक बर्तन में डालकर भून लेना है। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है, कोई घी या तेल की ज़रूरत नहीं है। दो से तीन मिनट में ही तिल से अच्छे से चटकने की आवाज़ आने लगेगी। उसी समय में गैस बंद कर देनी है, क्योंकि तिल को हम ज़्यादा देर सेकेंगे तो तिल कड़वे हो जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा देर इन्हें नहीं भूनना है। तिल को भूनते हुए हमें दो से तीन मिनट हो चुके हैं और आपको आवाज़ आ रही होगी। देखिए, तिल से चटकने की आवाज़ आने लगी है। और जैसे ही तिल से चटकने की आवाज़ आने लगे तो हमें गैस ऑफ कर देनी है और तिल को एक प्लेट में निकाल लेना है, ताकि तिल अच्छे से ठंडे हो जाएं। तिल को हमें एक तरफ रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, उसके बाद ही हमें इसके आगे का प्रोसेस करना है। वैसे तो ट्रेडिशनल तरीके से जो तिलकुट बनाया जाता था, उसमें आम दस्ते का यूज़ किया जाता था, और इमाम दस्ते में तिल को हाथ से कूट कूट कर ही इनमें गुड़ मिलाया जाता था। लेकिन आज हम इसे बहुत ही ईजी तरीके से आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए मैंने तिल को अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद इन्हें हमें मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा पीस लेना है। पहले हमें बिना गुड़ डाले ही तिल को पीस लेना है, क्योंकि गुड़ डालने के बाद तिल अच्छे से पीस नहीं पाते हैं, इसलिए दरदरा में इनको पहले पीस लेना है, उसके बाद ही हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम तिल को पीस लेते हैं। लीजिए, तिल को मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। इनको बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा से पीस लेना है। ज़्यादा बारीक हो जाने से तिल कड़वे लगते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें तिल पीस लेना है। और तिल को हमेशा आप ठंडा करके ही पीसें, क्योंकि गर्म गर्म तिल पीसने से तिल अपना ऑयल रिलीज करने लगते हैं और वो इकट्ठे से हो जाते हैं। बस अब हमें इसमें आधा कप गुड़ ऐड कर देना है, और गुड़ डालकर भी हमें एक या दो बार मिक्सी को चला लेना है। और देखिए, गुड़ कितनी आसानी से तिल्ली में मिक्स हो गया है और शानदार तिलकुट्टा कितने कम समय में बनकर तैयार हो गया है। और आप देखिए, इसमें कहीं भी गुड़ के कोई लम्स नहीं होंगे। तिल और गुड़ एक साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बस हमें इन्हें प्लेट में निकाल लेना है और हमारा तिलकुट तैयार है। संकट चौथ के लिए या तिल चौथ के लिए आप जब भी तिलकुट्टा बनाएं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तिलकुट को मैंने ड्राई चूरमे की तरह रखा है। आप चाहें तो इसे एक थाली में अच्छे से प्रेस करते हुए अगर लगा देंगे तो इसकी आप पीसेस भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा भोग इसी तरीके से बनाती हूँ, इसलिए मैंने इसी तरीके से तैयार किया है। मैं इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ तिल और गुड़ का ही भोग लगाया जाता है, इसलिए मैंने इसको सिंपल और आसानी बनाया है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तिलकुट के भोग की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।